हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी के इस सीजीपीएससी मेंस प्रोग्राम पे मैं हूं सत्येंद्र सिंह। सीजीपीएससी मेंस प्रोग्राम की शुरुआत 21 फरवरी से हो चुकी है, जो कि 31 मई तक चलने वाली है। इसकी शुरुआत का उद्देश्य यह है कि यह आपके उत्तर लेखन में उत्तरोत्तर विकास कर सके और साथ ही साथ सीजीपीएससी मेंस एग्जाम आते तक आपके उत्तर लेखन पे निरंतर प्रवाह बना रहे। और इसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत हमने 21 फरवरी को एक टॉपिक यानी कि पेपर नंबर 5 के छत्तीसगढ़ भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों के संकलन को प्रदान करके किया था। और इसके साथ ही साथ उसके 3 दिन पश्चात आज यह वीडियो हम उन प्रश्नों के एनालिसिस पर बात करने वाले हैं। इसमें एक प्रमुख बात ध्यान देने योग्य यह है कि हम किसी भी टॉपिक पर एक विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे और उस टॉपिक से संबंधित अर्थात उस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर किस प्रकार से प्रस्तुत करना है उस पर बात करेंगे। अर्थात किसी भी प्रकार के आंसर को प्रस्तुत करने के लिए हमको प्रमुख 5 बातों का ध्यान रखना है। यानी कि पहला, उस प्रश्न के उत्तर को जो हम प्रदान करने वाले हैं या जो लिखने वाले हैं उसकी प्रस्तुतीकरण कैसे होगी, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि उसकी प्रस्तुतीकरण कैसी होगी। साथ ही साथ हम उसके भाषा पर भी बात करेंगे, अर्थात उसका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। तो लैंग्वेज पे ऐसा है कि जब हम किसी एक सेंटेंस को ख़त्म करते हैं और साथ ही साथ किसी दूसरे सेंटेंस को शुरुआत करते हैं तो उन दोनों के मध्य एक लिंक होना चाहिए। अर्थात किसी पहले सेंटेंस की समाप्ति उसका परिणाम और दूसरे सेंटेंस की शुरुआत की भूमिका दोनों कनेक्ट होना चाहिए। तो ये हम भाषा यानी कि लैंग्वेज वाले टॉपिक पे बात करेंगे। साथ ही साथ एक तीसरी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ऑथेंटिसिटी यानी कि प्रमाणीकरण। तो किसी भी उत्तर लेखन के लिए एक प्रमाण प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की, तो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में एक एस्पिरेंट कितना नॉलेज रखता है, कितना पढ़ा हुआ है, इसका बहुत ही सरल तरीके से प्रमाणीकरण हम मैप बनाकर कर सकते हैं। अगर कहीं पर मैप का रिक्वायरमेंट आता है तो हम वहाँ पर मैप जरूर प्रस्तुत करें। जैसे कि जो प्रशिक्षक होंगे, जो एग्जामिनर होंगे, वो अभी देखेंगे कि या हाँ इस एस्पिरेंट ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत किया है, क्योंकि प्रशिक्षक के द्वारा उसको अच्छा लगना या उसको अच्छा ना लगना किसी एस्पिरेंट का आंसर एक मनोवैज्ञानिक मसला है। तो हमें कोशिश करनी है कि एक एग्जामिनर को किसी भी प्रकार से जो उत्तर हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा हो। उसके बाद हम बात करते हैं चौथी चीज़ होता है बैलेंसिंग। अर्थात किसी आंसर को लिखने के पहले हमने उसे कितना अच्छा बैलेंस किया है। इस बैलेंसिंग वाले टॉपिक को समझने के पहले हमें उस प्रश्न को समझना होगा। अर्थात वह जो प्रश्न है वह एक पक्षी है या बहुपक्षी। अगर वह बहुपक्षी है तो उसमें बहुत से डायमेंशन इंक्लूड होंगे, और अगर वह एक पक्षी है तो वह स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखा जाएगा। तो एक ये भी है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक आंसर को लिखने के लिए हमें किन किन तथ्यों का या किस किस डायमेंशन पर सोचना चाहिए और उसे कितना लिखना है। ऐसा ना हो कि किसी प्रश्न में पूछा कुछ और है, हमने लिख कुछ और दिया, और हमने लिखा कुछ और है, पूछा कुछ और है। तो इन सारे अन्य बातों से बाहर निकलते हुए हमें एक सुंदर और एक बहुत ही सटीक आंसर को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, यही इस प्रोग्राम का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इन 5 बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी जो कि पेपर नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 जिसका कुल मार्क्स 75 नंबर के समथिंग होगा, और इससे संबंधित हम कुल यहाँ पे 10 वीडियो लेकर आएंगे जिसकी चर्चा मैं आपसे करूँगा। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं भूगर्भिक संरचना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को, आखिर उन क्वेश्चंस का यानी कि उन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से यानी कि मॉडल उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों पहला प्रश्न दिख रहा है आपको, पहला प्रश्न जो था वह छत्तीसगढ़ में पुराण चट्टानों के उदाहरण पर चर्चा करें, जो कि 2 मार्क और 30 वर्ड्स पर हमने दिया हुआ था। तो ध्यान रखेंगे इसने पुराण चट्टानों के समूह पर चर्चा करने की बात की थी, तो यानी कि पुराण चट्टान में अगर मैं बात करूं तो पुराण चट्टान समूह जो है, ध्यान रखेंगे ये जो एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है रॉक साइकिल से संबंधित, आप सभी को पता है इसमें सबसे पुराना जो चट्टान समूह है वह है आर्कियन चट्टान समूह, उसके पश्चात जो चट्टान समूह आएगा वो आएगा पुराण चट्टान समूह, फिर जो आएगा वो आएगा द्रविड़ियन चट्टान समूह, और फिर आएगा जो आर्यन चट्टान समूह। इसे आप याद रख लें, क्योंकि रॉक के क्वेश्चंस को लिखना है तो ये जो ब्लॉक्स होंगे ये आपको जेम्स सेंटेंस की तरह
यूज करने होंगे तो काफी अच्छा आपका आंसर होगा। और किसी भी चट्टान को जब लिखने के लिए अगर आए, आर्कियन, धारवाड़, कड़प्पा, विंध्यन, गोडवाना या डक्कन, कोई भी सा अगर चट्टान लिखने को आए तो सबसे पहले उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करें। यानी कि अगर पूछेगा कड़प्पा तो सबसे पहले आप लिखें कि कड़प्पा चट्टान पुराण चट्टान समूह से संबंध रखता है, या विंध्याचल के बारे में बात करें तो विंध्याचल के बारे में लिखेंगे ये पुराण चट्टान समूह से संबंधित है। आर्कियन के बारे में अगर बोला जाए तो आर्कियन चट्टान समूह से बिलोंग करता है। गोडवाना की अगर बारे बात करें तो याद रखेंगे तो गोडवाना में लिखेंगे कि गोडवाना जो चट्टाने हैं छत्तीसगढ़ में वो आर्यन चट्टान समूह से संबंध स्थापित रखते हैं। तो इस तरीके से इसको याद रखें, पहला चीज। दूसरा चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि आर्कियन के पश्चात धारवाड़ बना, धारवाड़ के पश्चात कड़प्पा बना, कड़प्पा के बाद विंध्याचल बना, विंध्याचल के बाद गोडवाना बना, और गोडवाना के बाद क्या बनता है, दक्कन। तो यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर्मेशन के डेट के हिसाब से उन चट्टानों के क्रम को जमाइए। 2 मार्क 30 वर्ड्स पर इस क्वेश्चन को दे सकता है, तो आप इसे एक तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो चलिए आइए प्रश्न पर। पुराण चट्टान समूह के बारे में इसने एक्सप्लेन करने के लिए बोला, तो आप बताएं कि यहां पर कड़प्पा चट्टाने एवं विंध्याचल दो प्रमुख चट्टाने हैं जो कि पुराण चट्टान समूह से क्या करती है, बिलोंग करती है। कड़प्पा चट्टान जो है प्रमुख रूप से कहां पर है, महानदी बेसिन पर विस्तृत है, जो कि लगभग 30% क्षेत्रफल पे, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल पे 30% पे कौन सी कड़प्पा चट्टान क्या है, फैली हुई है। अब ये लिखें, उसके बाद विंध्याचल के बारे में एक्सप्लेन करें कि विंध्याचल चट्टान का भी निर्माण कड़प्पा चट्टानों से होता है, और कड़प्पा चट्टानों के अपक्षरण एवं अपरदन के पश्चात हमें विंध्याचल चट्टानें भी मिलती है। तो इतना लिखने के पश्चात आपका जो 30 वर्ड्स, यानी कि 30 वर्ड्स को हम लेके चलेंगे कि एक लाइन में 10 वर्ड्स, दूसरे लाइन में 10 वर्ड्स और तीसरे लाइन में 10 वर्ड्स, यानी कि 30 शब्दों को आप इन 3 लाइनों पे पिरो सकते हैं इन सब के होने के पश्चात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तरी छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख चट्टानों के नाम लिखो। क्या बोल रहा है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख चट्टानों के नाम लिखने के बारे में यह क्वेश्चन बोल रहा है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के बारे में जब मैं बात करूंगा तो ध्यान रखेंगे इस तरीके से, मैं अगर छत्तीसगढ़ को डिवाइड करूं तो ध्यान रखिए यह है आपका नॉर्थ छत्तीसगढ़, यह है आपका मिड छत्तीसगढ़ और यह है आपका सदर्न छत्तीसगढ़। करेक्ट होती बात। जब मैं उत्तरी छत्तीसगढ़ के बारे में बात करता हूं तो यहां पर मेरे को 2 फिजिकल डिवीजन मिलती हैं। पहला मिलेंगी ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू और दूसरा मिलेंगी मेरी जसपुर सामरी पार्ट प्लेट्यू। ठीक, जसपुर सामरी पार्ट और ईस्टर्न बघेलखंड, यानी कि ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उत्तरी छत्तीसगढ़ के चट्टानों के बारे में लिखिए, तो याद रखिएगा ईस्टर्न बघेलखंड एवं जसपुर सामरी पार्ट में किस प्रकार के चट्टाने पाई जाती हैं। तो चलिए इसमें जो 3 लाइन होंगी वो कैसी होंगी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आप लिखेंगे कि उत्तरी छत्तीसगढ़ प्रमुख रूप से ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू एवं जसपुर सामरी पार्ट में विभाजित है। ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू यानी कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में प्रमुख रूप से हमें गोडवाना चट्टानों की प्राप्ति होती है, एवं जसपुर सामरी पार्ट में हमें प्रमुख रूप से डक्कन ट्रैप एवं आर्कियन चट्टानों की अधिकता देखने को मिलती है, और कई जगह हमें लेटराइट चट्टानों की भी प्राप्ति होती है जो कि प्रमुख रूप से बहुत ही कम मात्रा में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए उत्तरी छत्तीसगढ़ के बारे में तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूछेगा अगर मध्य छत्तीसगढ़ के बारे में एक्सप्लेन करें तो भी आप बता सकते हैं, और पूछेगा साउथ छत्तीसगढ़ के चट्टानों के बारे में एक्सप्लेन करें तो वहाँ के फिजिकल डिवीजन को लेते हुए उसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से 30 वर्ड में यह एक्सप्लेन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ चट्टान पर टिप्पणी करें। कौन सी चट्टान पर बोल रहे हैं, धारवाड़ चट्टान पर। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल ना बताते हुए मैं धारवाड़ चट्टान और आने वाले टाइम में कड़प्पा चट्टान, उनके एक फॉर्मेट को मैं आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार से एक चट्टान को लिखने के हमारे क्या होने चाहिए, फॉर्मेट होने चाहिए, इतने को आप माइंड पे लेके चलें। आप लगभग 175 वर्ड्स के क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं उस फॉर्मेट को। तो गाइस किसी भी प्रकार के चट्टान अगर पूछता है तो कुछ फॉर्मेट हम देख लेते हैं, जैसे कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो ब्लॉक डायग्राम बनाया था उसमें हमने फैमिली देखा था, जैसे कि धारवाड़। तो पहला लाइन आप लिखिए वहां पे कि जो धारवाड़ चट्टानी है वो प्रमुख रूप से आर्कियन चट्टान समूह से बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने एक 8 मार्क्स पे 100 वर्ड्स पे कड़प्पा चट्टान पर क्या दिया था, प्रश्न दिया था। ठीक, तो मैंने इसलिए एक को मैंने 2 मार्क्स के हिसाब से दिया और उसी को ही मैंने 8 मार्क्स के हिसाब से दिया ताकि आप उसे टर्न कर सकें कि किस प्रकार से आप उसे प्रेजेंट करते हैं। कड़प्पा में क्या लिखेंगे,
कड़प्पा में आप लिखेंगे, पहला ही लाइन लिखेगा और बहुत ही जेम्स लाइन होना चाहिए कि कड़प्पा जो चट्टाने होंगी, कड़प्पा चट्टाने पुराण चट्टान समूह पे समूह से संबंध स्थापित रखते हैं या संबंध रखते हैं, ठीक, पहला चीज। उसके बाद दूसरे में आता है इसका फॉर्मेशन, यानी कि धारवाड़ चट्टानों का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो धारवाड़ चट्टानों का फॉर्मेशन किससे होता है, आर्कियन चट्टानों से होता है, यानी कि आर्कियन चट्टानों के अप्रदन से एवं निक्षिपण से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है, एवं धारवाड़ चट्टानों के अप्रदन एवं निक्षिपण से कड़प्पा चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मेशन लिख दिया। फॉर्मेशन के बाद क्या लिखेंगे आप, विशेषता लिखेंगे। अब जैसे कि धारवाड़ चट्टान, मान लो यही वाला दो नंबर का क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स पे 100 वर्ड्स पे देता है, 100 वर्ड्स मतलब होता है 10 लाइन, 10 लाइन पे आप इस तरह से बाइफर्केट कर दिया आपने, ठीक। तो ध्यान रखेंगे 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि सब में आप 1.5 लाइन पे आप लेके जा सकते हैं इसको। दूसरा ये भी लिख सकते हैं, इसे आप पैराग्राफ में भी लिख सकते थे, 10 मार्क्स या 100 वर्ड्स को आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं या पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप उस प्रश्न का प्रमाणीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं और किस परिधि में बांध कर और किस अनुपात में, यानी रेशियो में, यानी किस बैलेंस के साथ आप उसे प्रस्तुत कर रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं होता कि आप पैराग्राफ में ही लिखें, आप पॉइंट वाइज ही लिखें, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है उन 5 बातों को जिसको मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ठीक। फिर आप यहाँ पर विशेषता बता दीजिए कि धारवाड़ जो चट्टाने होती हैं, एजोइक नेचर होता है, धात्विक खनिजें इसमें प्राप्त होती हैं, ये जो होती है धारवाड़ जो होती है वह सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक है और सादी कायंत्रिक चट्टान है, ठीक। साथ ही साथ आप इसमें बता सकते हैं इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। तो इस तरह से आप इसके विशेषताओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात हो तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप बता सकते हैं कि कौन कौन से जिलों में पाया जाता है एवं छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत, कोई अगर चट्टान, अगर धारवाड़ चट्टान तो उतना प्रतिशत नहीं पाया जाता, लेकिन आर्कियन चट्टान पे आप 50%, गोडवाना चट्टान पे 17%, कड़प्पा चट्टान में 30%, और जो बची हुई चट्टानी है उसमें और भी चट्टानों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि परसेंटेज बेस पे आप इसको एक्सप्लेन करें यहाँ पे, ठीक। उसके बाद बात होती है फैलाव यानी विस्तार, इन स्पेसिफाइड यानी कोई बेल्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ धारवाड़ की, तो समझते हैं धारवाड़ के बारे में। धारवाड़ के जो प्रमुख सीरीज हैं, जैसे कि पहला सीरीज है आपका चिल्फी घाटी, ठीक, दूसरा सीरीज है आपका सोना खान सीरीज, और तीसरा सीरीज है आपका जिसको हम बोलते हैं बालोद बस्तर या आयरन ओर सीरीज, ठीक है। तो चिल्फी घाटी के लिए आप यहाँ पर मैप बना रहे हैं, अगर छोटा सा तो मैप प्रमाणीकरण के रूप में, प्रमाणीकरण के रूप में, टूल्स के रूप में यूज होगा मैप, ठीक। तो चिल्फी घाटी आपने यहाँ पे शो कर दिया, सोना खान सीरीज आपने यहाँ पे शो कर दिया, और ये जो बालोद बस्तर, याद रखेंगे बालोद बस्तर जो है वह छत्तीसगढ़ के इस डायरेक्शन पे, ठीक। कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट में ये फैला हुआ है। तो इस तरह से मैंने विस्तार बता दिया। अर्थव्यवस्था में भागीदारी, अब धारवाड़ चट्टान से कौन कौन से खनिज हमें प्राप्त होते हैं, पहली बात तो आयरन ओर। तो जब भी आप लिखेंगे यहां पे, अगर मान लो आप आयरन ओर लिखते हो, ठीक, कि इस प्रकार के चट्टानों से हमें प्रमुख धात्विक खनिजें, जैसे कि आयरन ओर आपने लिखा, तो याद रखेंगे आयरन ओर के बगल में लिखें तो जो और ज्यादा अच्छा लगेगा, उत्खनन NMDC के द्वारा। ये आप प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपने इसे पढ़ा हुआ है, ठीक। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आयरन ओर गया, टीन अगर आपने लिखा, मान लेते हैं आपने टीन लिखा धात्विक खनिजों की श्रृंखला में, तो टीन के बारे में लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ उत्पादन के मामले में फर्स्ट राज्य है। तो इस तरह से ब्रैकेट में लिखते लिखते अपने आंसर्स को आप कॉन्क्रीट कर रहे हैं और उसके प्रस्तुतीकरण प्रमाणीकरण के साथ ही साथ आप लैंग्वेज पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मैंने उन 5 पॉइंट, मेरे सारे के सारे वीडियो आएंगे उन 5 पॉइंट पे ही आधार होंगे, तो उन 5 पॉइंट को आप पकड़ के रखें, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आयरन ओर, और साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कि इसके द्वारा कितना रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मेट देखा एक चट्टान के लिए। सेम आप कड़प्पा चट्टान की अगर बात करें तो सारी चीजें रहेंगी रहेंगी। इसके फैलाव में आप लिख सकते हैं यहां पे रायपुर सीरीज, कौन सी सीरीज भैया, रायपुर सीरीज। रायपुर सीरीज के बाद आप क्या लिख सकते हैं यहां पे, चंद्रपुर सीरीज, ठीक। और चंद्रपुर सीरीज के बाद आप लिख सकते हैं यहां पे कौन सा, बिंझावर सीरीज। याद रखेंगे बिंझावर सीरीज जो आएगा वो ये वाला बेल्ट जो है बस्तर का, ठीक, ये वाला जो बेल्ट होगा वो हमारा होगा बिंझावर सीरीज। अब ध्यान रखेंगे कि पर्टिकुलरली चिल्फी घाट पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, सोना खान सीरीज पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं,
बालोद बस्तर पे 2 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, रायपुर सीरीज, चंद्रपुर सीरीज, बिंझावर सीरीज, इन तीनों पर भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, अगर एक चट्टान हो तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें होनी चाहिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली फैमिली एंड फॉर्मेशन बता दीजिए और साथ ही फैलाव बता के उसे खत्म कर दीजिए। अगर 4 मार्क्स पे क्वेश्चन पूछता है फैमिली एंड फॉर्मेशन बता दीजिए, साथ ही साथ फैलाव को थोड़ा और एक्सपांड कर दीजिए और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन आप बता दें। उसके बाद जैसे ही 8 मार्क्स और 10 मार्क्स तथा 15 मार्क्स में अगर चीज़ें जाती हैं तो इस फॉर्मेशन के साथ आप उस पर्टिकुलर चट्टान पे जा सकते हैं। जो मैंने पहले आपको फ्लो डायग्राम बताया उसे आप याद रखें, सारे चट्टानों में उसे प्रयोग करें, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट 2 मार्क पे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में प्रमुख मिट्टियों के विस्तार को बताइए। प्रमुख मिट्टियों के विस्तार के बारे में चर्चा करने के लिए बोल रहा है, तो आप ये ध्यान रखेंगे आप प्रमुख यूज़ करें, शब्द को समझें। प्रमुख मिट्टियों की बात कर रही है कि नहीं, अगर कम मात्रा में भी वो मिट्टी पाई जा रही है उसकी बात नहीं कर रहा है। तो प्रमुख यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मध्य भाग की बात कर रहा है, यानी कि ये वाला भाग आपका उत्तरी भाग, ये मध्य भाग और ये दक्षिणी भाग, यानी कि इस वाले भाग में, यानी कि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, ये तीन जो संभाग है, सॉरी इन ये जो तीन संभाग है, इन तीन संभाग में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है। तो सबको पता है पहली बात लाल पीली मिट्टी, आप लिखेंगे लाल पीली मिट्टी, और दूसरा आप लिखेंगे काली मिट्टी, ठीक। तो मतलब आपका जो आंसर होगा, जो एग्जामिनर चाहता है आपसे जानना, वो इन्हीं दो मिट्टियों के बारे में जानना चाहता है, यानी कि 30 वर्ड्स पे। तो 30 वर्ड्स पे कैसे, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन हमारे पास है, कैसे लिखेंगे समझते हैं। तो स्टार्ट करेंगे यार, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में लाल पीली मिट्टी, जैसे ही आप यहाँ पे लाल पीली मिट्टी यानी रेड येलो सॉइल लिखे तो यहाँ पर परसेंटेज शो कर दें कि वो कितना प्रतिशत है। तो लगभग 50-60% याद रखिए, परसेंटेज शो करते चले, ठीक। तो लाल पीली क्योंकि उसको वहां पे मोल्ड करने के लिए इतना स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे लिखिए छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी प्रमुख रूप से मध्य भाग में पाई जाती है, जो कि धान की खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है, और जिसका स्थानीय नाम मटासी है। यहां तक खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखे नेक्स्ट लाइन से काली मिट्टी की शुरुआत करें, काली मिट्टी जो कि छत्तीसगढ़ की एक उपजाऊ मिट्टी है, जिसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम इसका कन्हारी मिट्टी भी है, ठीक, जो कि फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है और रबी फसलों के लिए उपजाऊ है और जिसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया 2 मार्क पे। अगर क्वेश्चन आता यही 4 मार्क्स या 60 वर्ड्स पे, और याद है आपको कितने भाग में बांटना है इसे, 2 भाग में, तो याद रखें 30 वर्ड्स इसे दे दें, 30 वर्ड्स इसे दे दें, ठीक। तो 30 वर्ड्स इसको देने का मतलब क्या हुआ कि लाल पीली मिट्टी के बारे में आप लिखिए पहले रेड येलो सॉइल ये पाई जाती है और ये इन चट्टानों से मिलती है, इसका इतना परसेंट कंट्रीब्यूट है, ये धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक। तो साथ ही साथ ये लिखते हुए फिर आप काली मिट्टी के बारे में लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को देखना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्क पे 60 वर्ड्स पे छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के स्थानीय नामों पर प्रकाश डालना है। यानी कि इस प्रश्न को समझिएगा, यहाँ पर 2 डायमेंशन में क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ मिट्टियों के बारे में भी वो जानना चाह रहा है कि कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं एग्जामिनर, और उनके स्थानीय नामों यानी रीजनल नेम्स ऑफ दैट सॉइल्स के बारे में भी जानना चाह रहा है। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान से रखें कि कुछ ऐसा आप ना लिखें जो पूछा ना गया हो, और ये भी ध्यान रखें कुछ ऐसा ना छूट जाए जो एक्चुअली में प्रश्न क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है एक एग्जामिनर के द्वारा, वो पूछना चाह रहा है और आप ना लिखें। तो इन बातों का ध्यान रखें, और जब आप उन बातों का ध्यान रखते हैं तो वही एक सही प्रस्तुतिकरण होती है, ठीक। तो चलिए स्थानीय नामों की बात करें तो हम 2 प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, 60 वर्ड्स की बात कर रहा है, ठीक। तो 60 वर्ड में पहला पार्ट हम 30 वर्ड्स का ले लेंगे, दूसरा पार्ट हम 30 वर्ड्स का ले लेंगे। पहले पार्ट में जो 30 वर्ड्स है उसमें आप बताइए कि फर्स्ट छत्तीसगढ़ में कुल 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी एवं साथ ही साथ आप लैटेराइट मिट्टी को बताएं, ठीक।
उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसमें बताइए कि लाल पीली मिट्टी को ही हम मटासी मिट्टी कहते हैं, ठीक, ब्रैकेट में लिखिए मटासी मिट्टी, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहा जाता है। फिर बताइए लाल रेतीली मिट्टी के बारे में बताइए, फिर काली मिट्टी को कन्हारी मिट्टी कहा जाता है, लैटेराइट मिट्टी को भाटा मिट्टी कहा जाता है, ठीक, लाल रेतीली को दोमट मिट्टी टिकरा मिट्टी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ बताइए कि जो डोरसा मिट्टी है वह मटासी प्लस कन्हारी के मिक्सर को कहा जाता है, और साथ ही साथ कछारी मिट्टी जो है उसे पटपर कछार या पलपर कछार भी कहा जाता है। इस तरह से आप एक पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जब आप दूसरे पैराग्राफ में आते हैं, जो कि 30 वर्ड्स के लिए हम लोगों ने सेव रखा या वॉट एवर ये 200 वर्ड्स 20 वर्ड्स हो सकता है, तो इस तरीके से आंसर को क्या करना, अनुपातिक रूप से प्रस्तुत करना, यानी कि बैलेंसिंग वे पे, रेशियो बेस पे आंसर को शो करने का तरीका है। यानी कि इस 20 वर्ड्स पे हम लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्रीय आधार पर मिट्टियों के नामकरण हुए हैं, ये सबको पता, आपने प्रीलिम्स से पढ़ा होगा, ठीक। उत्तरी एवं मध्य भाग में कुछ मिट्टियों के नाम हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ दक्षिणी भाग में भी हमें मिट्टियों के नाम देखने को मिलते हैं, जो कि ऊंचाइयों के आधार पर यहाँ पर वैज्ञानिकों ने बांटा हुआ है। तो उत्तरी एवं मध्य भाग में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखें टिकरा मिट्टी, ठीक, टिकरा मिट्टी के बाद आप लिखें यहाँ पे छावर, फिर आप लिखें गोदा छावर, और फिर आप लिखें बहरा या बहरा मिट्टी, ठीक। तो इस तरह से उत्तर और मध्य क्षेत्र में ये मिट्टियाँ पाई जाएंगी, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे दक्षिण क्षेत्र में, ठीक, दक्षिण क्षेत्र में सबसे पहले आएगा मरहान मिट्टी, फिर आएगा आपका टिकरा मिट्टी, और फिर आएगा आपका माल मिट्टी, और फिर आएगा आपका गाभर मिट्टी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो मिट्टियाँ थी उनका हमने स्थानीय नाम और क्षेत्रीय आधार पे नाम, यानी कि हमने जो एग्जामिनर को चाहिए था वो सारा कुछ यहाँ पर अपने प्रश्न के उत्तर में प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैटर्न में, यानी कि 4 मार्क्स 60 वर्ड्स पे, छत्तीसगढ़ में काल क्रमानुसार चट्टानों के प्रकार बताते हुए किसी एक चट्टान की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए की बात कर रहा है। तो इसे देखते हैं चट्टानों को कितने प्रकार से हम बाइफरकेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे चट्टान को हम दो प्रकार से बाइफरकेट कर सकते हैं, एक तो काल क्रमानुसार यानी कि समय अनुसार उनका जो डेवलपमेंट हुआ उस आधार पर कुछ नामकरण किया जाता है, ठीक। दूसरा हम कर सकते हैं उनके निर्माण के आधार पर, याद रखेंगे निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर प्रमुख रूप से हम तीन ही देखते हैं। पहला होता है आग्नेय चट्टाने, ठीक, दूसरा आप देखते हैं अवसादी चट्टाने, करेक्ट, और तीसरा आप देखते हैं कायंत्रित चट्टाने, करेक्ट होती बात। यहाँ पे हमने यहाँ पे निर्माण के आधार पर नहीं पूछा, अगर निर्माण के आधार पर पूछता तो पहले हम लिखते आग्नेय चट्टाने जो प्रमुख रूप से आर्कियन चट्टाने, फिर बोलता अवसादी चट्टाने तो हम बताते प्रमुख रूप से कड़प्पा एंड गोंडवाना चट्टाने, कायंत्रित चट्टाने की बात करते तो बताते कि ये धारवाड़ चट्टाने हैं, ठीक। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा, यहाँ ये पूछा है काल क्रमानुसार, ठीक है। तो कालक्रम अनुसार मैंने पहले भी बताया था आपको, चार फैमिली मैंने डिवाइड किया था, चार फैमिली में हमने क्या क्या बात किया था, आर्कियन चट्टान समूह, पुराण चट्टान समूह, द्रविड़ियन चट्टान समूह और आर्यन चट्टान समूह, ठीक। तो जो चार फैमिली हमने बात किया था उसी आधार पर प्रमुख रूप से यहाँ पे 6 प्रकार के चट्टानों का विवरण दिया जा सकता है छत्तीसगढ़ में। तो पहला है आपका आर्कियन चट्टान, दूसरा आपका आएगा धारवाड़ चट्टान, तीसरा आएगा आपका कड़प्पा, चौथा विंध्यन, पांचवा गोंडवाना और छठवा दक्कन, ठीक। जब आप इसे लिखें याद रखेंगे ये जो क्वेश्चन ये भी कितने वर्ड्स का है, 60 वर्ड्स का। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन में दो प्रकार के क्वेश्चन इन्होंने पूछा, यानी कि इस क्वेश्चन के दो डायमेंशन है। पहला वो काल क्रमानुसार आपके चट्टानों के नाम जानना चाह रहा है, साथ ही साथ किसी एक चट्टान एक्चुअली वो जानना चाह रहा है आपको सारे चट्टानों के बारे में नॉलेज हो, ठीक। तो किसी एक चट्टान की विशेषता को यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए बोला। तो इस आधार पे हमने 30 वर्ड्स इनके नामकरण के लिए दे दिया और 30 वर्ड्स किसी एक चट्टान की विशेषता बताने के लिए दे देने का है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने काल क्रमानुसार या भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में चट्टानों के वितरण को 6 प्रकार से बाइफरकेट किया जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रमुख रूप से आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टान आर्कियन चट्टान समूह से बिलोंग करते हैं, ठीक। कड़प्पा एवं विंध्याचल जो चट्टाने हैं वह पुराण चट्टान समूह से बिलोंग करते हैं, और गोंडवाना एवं दक्कन चट्टान जो है वह आर्यन चट्टान समूह से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से हमने लिखा, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आर्यन चट्टान समूह है वह बेसमेंट ऑफ ऑल द रॉक्स या बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द रॉक्स या सभी चट्टानों की आधारभूत चट्टान है,
इस तरह से हमने यहाँ पे परसेंटेज भी ब्रैकेट में लिख देने का है ताकि यहाँ पर प्रमाणीकरण शो हो जाए, प्रमाणित हो जाए कि आपको उस चट्टान के बारे में नॉलेज तो है। ठीक, तो यहाँ पर आपने ये प्रस्तुत किया इस 30 वर्ड्स में। नेक्स्ट 30 वर्ड्स में आप चले जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी पे। ठीक, अब जब आप उस थ्योरी को पढ़े होंगे कि प्रॉपर्टी के आधार पर, तो आपको पता है कि जो आग्नेय चट्टाने होते हैं वो बेसमेंट चट्टाने होते हैं। अगर मैं आग्नेय चट्टान की प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो आग्नेय चट्टाने जो होती हैं वो एजोइक इन नेचर होती हैं। ठीक, आर्कियन जो चट्टाने होती हैं वह प्रमुख रूप से आग्नेय चट्टाने ही होती हैं। आर्कियन चट्टाने जो होती हैं वह धात्विक चट्टाने होती हैं। ठीक, इनमें और ज़्यादा विरूपण पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कड़प्पा चट्टानों की बात करूँ तो यह अवसादी चट्टाने होती हैं। ठीक, लेकिन इसमें धात्विक खनिज हमें प्राप्त नहीं होता, इसमें अधात्विक खनिजें प्राप्त होती है। वहीं मैं अगर गोंडवाना चट्टानों के बारे में बात करूँ तो गोंडवाना चट्टानें भी क्या होंगी? अवसादी चट्टानें होंगी। और यह चट्टान भी क्या होगी? मेरी जीवाश्म चट्टानें होंगी। तो इस तरह से आप इस 30 वर्ड को इन चट्टानों की प्रॉपर्टी बताकर आप वहाँ पर किसी एक चट्टान के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि उस प्रश्न में पूछ क्या रहा है, उस प्रश्न के आधार पर थोड़ा सा सोचें और सोचने के बाद उसे उन वर्ड्स के आधार पर क्या कर लें, बाइफर्केट कर लें। क्योंकि CGPSC की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उतना ज़्यादा स्पेस और उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप अपने नॉलेज के प्रवाह को वहाँ पर क्या कर सकें, निरूपित कर सकें। तो इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्क्स पे। ठीक, पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भूगर्भिक संरचना का वर्णन करें। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भूगर्भिक संरचना की बात कर रहा है, इसी आधार पर 3 क्वेश्चन और पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भूगर्भिक संरचना का वर्णन, छत्तीसगढ़ के मध्य भूगर्भिक संरचना का वर्णन और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भूगर्भिक संरचना का वर्णन की बात कर रहे हैं। तो हम सभी को पता है कि जो भूगर्भिक संरचना होती है वह वहाँ की जो चट्टानें होती हैं और साथ ही साथ जो वहाँ की मिट्टी होती है, ये दोनों डिसाइड करती हैं। ठीक, क्योंकि चट्टानों के आधार पर ही वहाँ पर मृदा का निर्माण होता है। चट्टानें जो होती हैं विभिन्न पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के बाद के पश्चात वो टूटती हैं, टूटने के बाद वो बजरी और बजरी के बाद वो पेबल्स बनती है और पेबल्स के बाद उसमें सैंड, सिल्ट एवं क्ले, ठीक, यानी कि रेत, गाद और मृतिका का फॉर्मेशन होता है। यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन के आधार पर ही हम मिट्टी की प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। यानी कि सैंड, सिल्ट और क्ले के आधार पर हम मिट्टी की बात करते हैं। अर्थात इस यह क्वेश्चन जो है यह डिमांड करता है कि आप चट्टान के साथ ही साथ उस क्षेत्र की मिट्टियों के बारे में भी लिखें, ना कि उस क्षेत्र में रहने वाले पर्वत की ऊंचाई, उस क्षेत्र में स्थापित कोई बड़ी ऊंची चोटी है या फिजिकल डिवीजन, इस बारे में यह क्वेश्चन डिमांड नहीं करता। ये क्वेश्चन डिमांड करता है कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और उन चट्टानों से निर्मित मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं। इतने में आप अपने आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करें, नहीं होता है तब आप और कुछ एक्स्ट्रा इनपुट कर सकते हैं। चलिए, ये जो दक्षिणी भाग है तो यहाँ आप लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग प्रमुख रूप से दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है और यह जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रमुख रूप से आर्कियन चट्टाने, कौन सी चट्टाने? आर्कियन चट्टाने, धारवाड़ चट्टाने, ठीक, एवं कड़प्पा चट्टानों की भी प्राप्ति होती है। ये दूसरा लाइन आपने लिखा, आर्कियन चट्टाने जो होती हैं उसके बाद इन्हीं के ही अपरदन एवं अपचरण से आपकी धारवाड़ चट्टाने मिलती हैं। और याद रखें धारवाड़ चट्टान जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिएगा बालोद बस्तर सीरीज। क्या लिखेंगे? बालोद बस्तर सीरीज या लॉ एस सीरीज। और उसमें भी अगर आगे लिखना है तो आप लिख सकते हैं दल्ली राजहरा बेल्ट, रावघाट बेल्ट एवं बैलाडीला बेल्ट। ठीक, कड़प्पा चट्टाने जब आप लिखेंगे तो कड़प्पा चट्टान की कौन सी सीरीज यहाँ प्राप्त होती है? वह होती है बिंझावर सीरीज। तो इस आधार पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आर्कियन चट्टाने, धारवाड़ चट्टाने, कड़प्पा चट्टाने एवं बिंझावर सीरीज जो कि कड़प्पा चट्टानों से संबंधित है प्राप्त होती है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे कि इन चट्टानों के आधार पर ही यहां पे प्रमुख रूप से लाल रेतीली मिट्टी एवं लाल दोमट मिट्टी की भी प्राप्ति होती है। यह आपने एक पैराग्राफ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट पैराग्राफ जो आएगा वहां पर इन चट्टानों से मिलने वाले कौन कौन से खनिज हैं,
यानी कि धात्विक खनिज के बारे में लिखें। आप लिख सकते हैं कि धारवाड़ चट्टानों से हमें प्रमुख रूप से आयरन ओर, जो कि हेमेटाइट प्रकार का आयरन ओर या लॉयस प्राप्त होता है, आप उसके बारे में वहां पर वर्णन करें। फिर आप लिख सकते हैं वहां पर प्लेसर की चट्टानें प्राप्त होती हैं, जहां से हमें टीन, कैसेट्राइट की चट्टानों से हमें टीन की प्राप्ति होती है, ठीक। और वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ टीन उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य है, ठीक। तो इस तरह से आप सेकंड पैराग्राफ को भी लिखिए, और साथ में यहां पर इन, क्योंकि यहां पर एक चीज को ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि इन चट्टानों से जो प्राप्त होती है उसके लिए हमने क्या लिखा सेकंड पैराग्राफ में, मिनरल को लिखा, ठीक। अब यहां पर जो हम पहले पैराग्राफ में मिट्टी लिखे थे, ठीक, तो मिट्टी से क्या प्राप्त होगा या क्या चीजें होंगी, कृषि होगी। तो इन दोनों को कनेक्ट करें। तो याद रखें, ये अगर लाइंस हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप चट्टान या चट्टान से मिलने वाले मिनरल भी लिख सकते हैं, और दूसरे पैराग्राफ में मिट्टी और उससे प्राप्त प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें हैं या जो मोटे अनाज हैं या प्रमुख पैदावार है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो इस आधार पर ये जो क्वेश्चन होगा ये काफ़ी क्या होगा, बैलेंस होगा। तो बैलेंस तो हमने शो कर दिया। अब प्रामाणिकता की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि आप क्या करें, यहाँ पर छोटा सा एक मैप बना लें, पूरा छत्तीसगढ़ बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से बना दीजिए, और थोड़े से यहाँ बिंझावर सीरीज, यहाँ पर ये बालोद बस्तर सीरीज, और हल्का सा यहाँ पे आर्कियन रॉक के बारे में एक्सप्लेन कर दे। तो इस तरह से ये जो प्रश्न था इसमें हमने चिड़ भूगार्भिक चट्टान के भूगार्भिक संरचना के बारे में बात किया, और दक्षिणी भूगार्भिक संरचना मतलब होता है चट्टान प्लस उससे निर्मित वहां की मिट्टियां। तो दो चट्टान होगा, तो चट्टान से हमें लिखा, हमने चट्टान से मिलने वाले मिनरल्स को बताया, साथ ही साथ हमने वहां की मिट्टी और मिट्टी से क्या होने, कौन सी पैदावार अच्छी होती है, हमने उसके बारे में भी वहां पर एक्सप्लेन किया। कोशिश करें ज्यादा गोलमोल बातें ना करें, गोलमोल बातें करने से बचें, क्वेश्चन को समझें कि एग्जामिनर एक्चुअली में क्या चाहता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लैटराइट मृदा एवं काली मृदा में अंतर स्थापित करिए। ये है आपका आठ अंक में चाहिए आपको 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स का मतलब होता है 10 लाइन्स, ठीक। यहाँ पे अंतर स्थापित करने के लिए बोला, अब कई बातें ऐसी होती हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अंतर को आप पैराग्राफ में लिखें, कुछ ये बोलते हैं कि उसे कॉलम बना के आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो कितना प्रमाणीकृत होगा, ठीक। उसमें कैसा आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, उसको कैसे बैलेंस सिंग वे पे या किस तरह से अनुपातिक या रेशियो के आधार पर उसे शो करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ऐसा कोई प्री डिफाइंड आइडिया या प्री डिफाइंड पैटर्न नहीं है कि अंतर स्थापित करने वाले क्वेश्चन को कैसे लिखना, ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा पैटर्न आपको सही लगता है, ठीक। तो सबसे पहले ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल पे बात करते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये नेम, फॉर्मेशन, उत्पादकता, प्रकृति, कड़ों का कार, पीएच वैल्यू, विशेषता, एरिया। तो मैं फिलहाल कॉलम के आधार पर बता रहा हूँ। अगर आपको पैराग्राफ में बात करना है तो पैराग्राफ को भी लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। आपके पास टोटल 10 लाइन्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। पहले लाइन में एक प्रॉपर्टी लिखे काली मृदा की, दूसरे लाइन में एक प्रॉपर्टी लिखे लैटराइट मृदा की, फिर तीसरे लाइन में एक कुछ लाइन लिखें आप काली मृदा की, लाइक लगता है कि अगर प्रकृति के बारे में देखते हैं तो पहले लाइन में मैंने लिखा कि काली मृदा की जो प्रकृति होती है वह होती है क्षारी। दूसरे लाइन में वहीं आगे लिख दिया कि लैटराइट मृदा की जो प्रकृति होती है वह होती है अम्ली। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, या पहले पैराग्राफ में आप काली मृदा लिख सकते हैं, दूसरे पैराग्राफ में आप लैटराइट मृदा कर सकते हैं, या तीसरा इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए और कॉलम बनाने के बाद इसे कर ले, वैसे ये ज़्यादा सुविधाजनक होगा, ठीक। चलिए तो पहले देखते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का नाम क्या, तो काली मृदा को हम स्थानीय भाषा में बोलते हैं कन्हारी मिट्टी, और लैटराइट मृदा को हम बोलते हैं क्या, भाटा मिट्टी। अब इनका फॉर्मेशन प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक। तो याद रखेंगे फॉर्मेशन प्रोसेस में सीक्वेंस होना चाहिए, जो आप आंसर लिखें, जो आपके आंसर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज जब बन जाती है उसके बाद ही तो उसकी प्रॉपर्टी, उसके पे अलग अलग रिसर्च, उस पर अलग अलग जो भी स्टडी करना होता वो होता है। जब वो चीज़ बनेगी ही नहीं तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा कि उसका टेस्ट क्या है, ठीक। तो इसलिए मैं यहाँ पर नाम बताने के बाद फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह मैंने रॉक में भी बताया था कि फैमिली के बाद आपको फॉर्मेशन बताना है, जब वो चीज़ का फॉर्मेशन हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये एक सीक्वेंस होता है, जब एग्जामिनर चेक करेगा तो जो उसका मनोवैज्ञानिक मसला है वह सही रहेगा और आपको मार्क ज़्यादा मिलने की गुंजाइश है, ठीक। चलिए तो
फॉर्मेशन प्रोसेस में पहला आप बताइए कि जो ब्लैक सॉइल होता है वहां पर केशिकत्व का प्रोसेस हम देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर जो इवोपोरेशन होता है वो ग्रेटर देन रेनफॉल होगा, और लेटराइट मृदा में जो फॉर्मेशन प्रोसेस होगा वो लीचिंग के कारण होता है, और यहां पर क्योंकि रेनफॉल ज्यादा होता है इवोपोरेशन के कारण। ये एक लाइन में आप खत्म करें। उत्पादकता यानी फर्टिलिटी, फर्टिलिटी पे बात करेंगे कि जो मेरा ब्लैक सॉइल होगा, ये जो ब्लैक सॉइल होता है इसकी जो उत्पादकता होती है वह ज़्यादा होती है। उत्पादकता क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेटराइट, और क्ले की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसमें एरेशन अच्छा से होगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से हम रवि फसलों को लगा सकते हैं। ठीक, प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो प्रकृति में ध्यान दीजिएगा, प्रकृति का डायरेक्ट कनेक्शन इसी से है। जैसे कि यहां पर आप बात कर रहे हैं कि इसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है, और इसकी प्रकृति क्या है, अम्ली है। तो अम्ली में डिसाइड करते हैं कि जहां पर ज्यादा रेनफॉल होगा वहां की मिट्टी की प्रकृति क्या हो जाएगी, एसिड हो जाएगी, यानी कि अम्ली हो जाएगी। और हम सबको पता है कि जो बारिश होती है, जो रेनफॉल होता है, उसकी प्रकृति भी क्या है, SO2 एवं विभिन्न गैसों के कारण वह एक अम्ली प्रकृति का क्या होता है, रेनफॉल होता है। तो ध्यान रखेंगे ये अम्ली प्रकृति का हो जाएगा, यानी कि लेटराइट मृदा क्या है, अम्ली प्रकृति की है। यानी कि अगर इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो इसकी पीएच वैल्यू लगभग 5.5, और अगर ब्लैक सॉइल की पीएच वैल्यू की बात करूं तो 7.4 या 7.6 हमें देखने को मिलता है। ठीक, कणों का आकार, कणों का आकार की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे यहां पर महीन कण होते हैं। महीन कण इसलिए होते हैं क्योंकि लगभग 50 से लेकर 55% तक इसमें क्ले की मात्रा होती है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक मिट्टी जब होती है तो मिट्टी में कणों का जो आकार होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि सैंड, सिल्ट एवं क्ले, इन तीनों के जो आकार होंगे वो डिसाइड करेंगे कि वह मिट्टी किस प्रकार का या किस प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करने वाली है। ठीक, चलिए, तो यहां पर ये जो कणों का आकार है, ठीक है, तो कणों का आकार डिसाइड हो गया। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देंगे कि जो लेटराइट है यहां पर हमें सैंड की मात्रा ज्यादा होती है, और अगर सैंड की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी एकदम लो होगी, और जब वाटर ही नहीं रुकेगा तो उसकी उत्पादकता भी हमें कम देखने को मिलेगी। करेक्ट होती बात। अगर मैं विशेषता में आ जाऊं, यानी आर्द्र एवं शुष्क, ठीक, तो ब्लैक सॉइल का निर्माण शुष्क क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा, और लेटराइट सॉइल का निर्माण हमें आर्द्र क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। एरिया की अगर बात करूं तो ब्लैक सॉइल जो है वह मैकल श्रेणी के, कहां पे, मैकल श्रेणी के आपके रैन सेडो एरिया यानी कि वृष्टि छाया प्रदेशों में प्राप्त होती है। यानी कि राजनांदगांव वाले बेल्ट, बेमेतरा वाले बेल्ट, और कुछ भाग हमें रायपुर एवं बलौदाबाजार में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ याद रखेंगे लेटराइट सॉइल वहां पर होगा जहां पे बारिश काफी ज्यादा होती है, यानी कि अबुझमाड़ का क्षेत्र और जसपुर सांबरी पाट वाला क्षेत्र जहां पे हमें लेटराइट की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपने इसका विस्तार बता दिया, इसकी प्रकृति, इसकी उत्पादकता, इसका फॉर्मेशन प्रोसेस, सारा कुछ आपने अच्छे से प्रस्तुत किया। और यहां पर कुछ डाटाज हो तो उसे जरूर प्रस्तुत करें, जो कि आपके आंसर को प्रमाणित जरूर करेगा। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स में है, और इसके लिए क्वेश्चन है कड़प्पा चट्टान पर टिप्पणी करें। तो इसके पहले ही मैंने आपको बताया था चट्टानों पर, जब मैं डिस्कस कर रहा था कि किसी भी प्रकार के चट्टान को लिखने के कुछ फॉर्मेट होंगे। लाइक पहले आप लिखेंगे फैमिली, कौन सी फैमिली से कड़प्पा चट्टान बिलोंग करती है, तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, हाँ जी, वह बिलोंग करती है पुराण रॉक ग्रुप या पुराण चट्टान समूह से बिलोंग करती है। दूसरा, फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, तो फॉर्मेशन प्रोसेस आप लिख सकते हैं कि धारवाड़ चट्टानों के अप्रदन एवं निक्षिपण से हमें कड़प्पा चट्टानों का की प्राप्ति होती है। उसके बाद आप लिखेंगे उनकी विशेषता के बारे में, फिर आप विस्तार बताइए, विस्तार के बाद आप उसमें लिखेंगे रायपुर सीरीज, चंद्रपुर सीरीज, और फिर आप लिखेंगे बिंझावर सीरीज के बारे में। लिखेंगे रायपुर सीरीज की मोटाई आपकी चंद्रपुर सीरीज से ज़्यादा है, रायपुर सीरीज का क्षेत्रफल बाकी अन्य सीरीज से ज़्यादा है, और रायपुर सीरीज में ही हमें बलौदाबाजार प्राप्त होता है जहाँ पर हमें सीमेंट उद्योग देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद विस्तार हो गया, परसेंटेज हो जाएगा, और उसके बाद इन कड़प्पा चट्टानों का अर्थव्यवस्था में क्या भागीदारी है वो हमें बताना है। तो आप कुछ इकोनॉमिक सर्वे के डाटाज ले लीजिए कि इनका इतना GSDP में कंट्रीब्यूशन है, लाइमस्टोन का, ये सारा कुछ, ठीक, और इनसे किस किस प्रकार की खनिजें प्राप्त होती हैं, इसको एक फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा
प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 15 मार्क और 175 वर्ड्स का है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्राप्त चट्टान और उनसे निर्मित मिट्टियों के संबंध स्थापित करें एवं राज्य सरकार द्वारा मिट्टी परीक्षण के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करें। तो ये जो प्रश्न था उसे हम समझते हैं, ठीक। इस प्रश्न में कुल 175 वर्ड पे आंसर लिखना है। 175 वर्ड मतलब हम मान सकते हैं कि 15 से 17 लाइंस, ठीक। 15 से जो 17 लाइंस होंगी उसको हम कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर सेट नहीं है, तो मैं इन लाइंस के आधार पर इसको बांटने की कोशिश करूंगा। तो जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न को दो भागों में डिवाइड करिए। पहला तो वह चट्टान और वह मिट्टी पे संबंध स्थापित करना है, और दूसरा मिट्टी के संरक्षण के लिए किस प्रकार के परीक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है उसकी बात करना है। ऐसा मुझे लगता है इसको पैराग्राफ में प्रेजेंट ना करते हुए, यानी कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट में हम बताएंगे यहाँ पे रॉक एंड प्लस सॉइल के मध्य रिलेशन, ठीक। सेकंड पार्ट में हम बताएंगे सॉइल कंजर्वेशन के लिए किस प्रकार के लेबोरेटरीज या वॉट एवर व्हाट्स प्लान इज गोइंग इन इन अ स्टेट या बाय सेंटर सपोर्ट्स, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सॉइल एंड चट्टान है तो इसके बारे में हम यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, एग्जामिनर को चेक करने के लिए बहुत आसानी होगी, टू द पॉइंट वो चेक करेंगे। जैसे कि हम सीधा पहले लिख सकते हैं यहाँ पे लाल पीली मिट्टी, ठीक। तो लाल पीली मिट्टी को आप लिख सकते हैं कि लाल पीली मिट्टी का निर्माण गोंडवाना एवं कड़प्पा चट्टानों के अपरदन से होता है, ठीक। उसके बाद आप लाल पीली मिट्टी के क्या परसेंटेज है छत्तीसगढ़ में आप बता सकते हैं, और लाल पीली मिट्टी को स्थानीय भाषा में ये कहते हैं। मिट्टी और चट्टान दोनों आ गए, ठीक। और साथ ही साथ बता सकते हैं कि लाल पीली मिट्टी में गोंडवाना एवं कड़प्पा चट्टानों की जो विशेषताएं हैं वो हमें मिलती है। याद रखिएगा कि मिट्टी का जो निर्माण होता है उसमें जो प्रमुख भूमिका होती है, ठीक, जो उसमें पैतृक भूमिका जो वहन करता है वह होता है चट्टान, ठीक। यानी कि चट्टानों की मुख्य भूमिका क्या होती है मिट्टी में, यानी कि एक मिट्टी को अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ तो लगभग 45% या 45% जो अंश होगा वह पेरेंट रॉक या पैतृक चट्टान का होगा, ठीक। इस थ्योरी से यह प्रश्न क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। तो लाल पीली मिट्टी लिख लिया, लाल पीली के बाद आप लिखेंगे लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से। फिर आप लिखेंगे लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता है, आपका डक्कन से। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे काली मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण आप लिख सकते हैं डक्कन चट्टानों से। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक लाल दोमट मिट्टी, ठीक है, ग्रेनाइट एवं नीस के सम्मिश्रण से इनका निर्माण होता है। तो इस तरह से आपने लिखा, साथ ही साथ चट्टान के बाद इनके क्या दे दिया आपने, परसेंटेज दे दिए कितने परसेंट में ये फैले हुए हैं। तो ये चीज को एक्सप्लेन करने के बाद आप यहां पर लिखेंगे मिट्टी परीक्षण के लिए राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, ठीक। अब यहां पर लिखना है प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत जो कि 2016-17 में क्या हुई है, शुरू हुई है। तो प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत राज्य सरकार में मिट्टी परीक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, जहां यहां 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 क्या प्रयोगशाला स्थापित किया जा चुका है या करने की योजना है, पहला चीज। दूसरा चीज आप बता सकते हैं यहां पर कि यह मिट्टी परीक्षण क्यों किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक। और ये सबको कंप्लीट करते हुए आप यहां पर लास्ट में बताएं कि मतलब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में यह मिट्टी परीक्षण ताकि बंजर उपजाऊ भूमि का एक की पहचान की जा सके, यानी कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में यह मिट्टी परीक्षण और मिट्टी और चट्टानों का क्या संबंध है, दो लाइन में दीजिए और इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर दें, बाइंड अप कर दें, ठीक है। तो चलिए फिर इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर ये सारे प्रश्नों का एनालिसिस देखा, और नेक्स्ट जो टॉपिक है आप सबको पता है इसके क्वेश्चन 22 यानी कि 22/2/2020 यानी कि 22 फरवरी को डिस्कशन कम्युनिटी पे अपलोड कर दिया गया है। और ये जितना डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये सारे के सारे डिटेल इसकी जो थ्योरीज हैं वो हमारे मोबाइल कोर्स में आपको मिल जाएंगी। तो मोबाइल कोर्स में काफ़ी डिटेल से समझाया गया है,
ठीक, कि वहां पे लाल पीली मिट्टी क्या है, लाल रेतीली मिट्टी क्या है, स्थानीय मिट्टी के बारे में बताया गया है, डिफरेंट टाइप के फ्लो चार्ट्स वहां पर यूज किया है मैंने, तो उस चीज को आप वहां पर जाके देख सकते हैं। बाकी एक पर्टिकुलरली जो आंसर का पैटर्न होना चाहिए वो यहां पर है। जिनको उस टॉपिक के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है वो अपने आप को और धार तेज करें, अपने लिखावट को और ज्यादा अच्छे से करें, प्रमाणीकृत करते जाएं, उसको रेशियो या बैलेंस में लिखते जाएं, ये बहुत रिक्वायर्ड है। और साथ ही साथ याद रखें, जिनको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज है या जो नहीं लिख पा रहे हैं आंसर, वो हमारे मोबाइल कोर्स को देख सकते हैं, FTR के कुछ वीडियोज को भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी हमने टॉपिक को काफी अच्छा डील किया था प्रीलिम्स के टाइम, ठीक। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर लेखन का प्रयास करते रहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे आंसर्स मैंने रीड किए हैं, काफी अच्छे आंसर्स हैं, जिसमें एक आशीष दुबे जी का और दूसरा मधुलिका डिक्सेना जी के आंसर्स काफ़ी सराहनीय हैं, आप उनके आंसर्स को देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारा 22 तारीख को टॉपिक अपलोड हुआ है, जिसमें हमने भौतिक विभाजन के बारे में बात किया है, उसमें मैं कुछ टॉपिक्स को देखूंगा, कुछ के आंसर्स देखूंगा, और डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।